बर्खास्तगी के विरोध में रानीखेत के जीडी बिरला स्कूल चिलियानौला के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। उधर दो दिन पहले 8 जुलाई को अल्मोड़ा में सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों को प्रशासनिक अधिकारियों और प्रबंधन के समक्ष रखा। वार्ता में अगली तिथि 23 जुलाई निर्धारित की गई। श्रमिकों का कहना है कि अगर 23 जुलाई को प्रबंधन ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो उग्र आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। बता दें कि स्कूल कर्मचारियों को स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों का लगातार सहयोग मिल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, स्थानीय विधायक प्रमोद नैनवाल समेत तमाम जनप्रतिनिधियों ने कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराया है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि अभी हाल ही में जीडी बिरला मेमोरियल स्कूल चिनियानौला रानीखेत प्रबंधन ने बिना बताए कर्मचारियों की बर्खास्तगी कर दी थी, जिसको लेकर कर्मचारियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि बिना बताए रातों रात प्रबंधन ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और उन्हें इसकी सूचना तक नहीं दी गई। धरना प्रदर्शन करने वालों में पूरन सिंह अधिकारी, गणेश दत्त जोशी, युवराज सिंह परिहार, राजेंद्र सिंह अधिकारी, मदन मोहन जोशी, जगदीश कुमार, दिनेश चंद्र उपाध्याय, आलोक रंजन बेहरा, कुंदन सिंह कुवारवी, कुंदन सिंह बिष्ट आदि मौजूद रहे। आवाज इंडिया के लिए अल्मोड़ा से मनोज कुमार की रिपोर्ट।